नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे चैनल पर आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे न्यू प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना ताकि मेरी जो वीडियो वो आपको समझ आए और आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़े। तो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई भी एक अकाउंट में आ जाना है। अकाउंट में आ जाने के बाद यहाँ पर ऊपर देखिएगा, 3 लाइन का ऑप्शन दिया गया हुआ है, यहाँ पर चले जाना है। चले जाने के बाद यहाँ पर देखिए दिया गया होगा सब है ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन आया हुआ है। सेटिंग वाले बारे में यहाँ पर देखिए अकाउंट का ऑप्शन आया है, अकाउंट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अकाउंट ऑप्शन में आ जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट का जो ऑप्शन है वो आ गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ से वीडियो को पूरा वॉच कर लेना ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए गेट ए फ्री प्रोफेशनल अकाउंट दिया गया हुआ है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, रीच मोर पीपल यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो है अपना जो नीश है, आपका जो कैटेगरी है, आप एक चूज कर लेना। कोई भी पेज आप जो पेज बना रहे हो उसका जो कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया गया हुआ है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, यहाँ पर अगर आप इनेबल करते हैं तो आपका जो कैटेगरी है वो शो होगा वरना नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर शो करें, यहाँ पर मैं डिसेबल करके रखता हूँ, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर के लिए पूछेगा, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दे देना है। यहाँ पर फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे ईमेल दिया गया, ईमेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइड में ईमेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल भी आ जाएगा, मैं हाइड करके रखता हूँ। आप अपना देकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कोई भी आपका अगर मोबाइल नंबर से अकाउंट होगा तो अकाउंट दे जाएगा, वरना यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, वरना आप का जो दूसरा अकाउंट है वो ही लॉगिन हो जाए। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फुल नेम आपको दे देना है, जो भी आपका नेम है। नेम देने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करना है, पासवर्ड एक दे देना है कोई भी, और ये भी, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जो है चूज कर लेना है, आप अपना कीजिए अपने हिसाब से। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर सिंपल से आपको उसके बाद क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद रोडिंडा यहाँ पर साइन अप एस आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पर शो हो जाएगा। क्या होता है मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए लोडिंग ही ले रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो हो रहा है शायद। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए मांगने के बाद यहाँ पर देखिए रिमेंबर पासवर्ड का ऑप्शन, रिमेंबर पासवर्ड दिया गया हुआ है। यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट बिजनेस 50 करके दिया गया है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आर यू ए क्रिएटर या क्रिएटर और बिजनेस पर आपको क्लिक करना है, उसके क्लिक कर देना है। आपका कोई भी आपका अगर क्रिएटर हो, एक क्रिएटर के हिसाब से आप क्रिएटर को चूज कर लेना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल का सेटअप है यहाँ पर देगा, फर्स्ट में जो देखा दिया गया है फर्स्ट में कंप्लीटेड प्रोफाइल, सेकंड में लर्न फ्रॉम अदर प्रोफेशनल, ग्रो योर ऑडियंस, शेयर कंटेंट टू व्यू इनसाइड एक्सप्लोरर प्रोफेशनल टूल। यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट करना है, वरना आपको यहाँ पर रॉन्ग पर क्लिक करके छोड़ देना है। आप यहाँ पर कोई भी किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर देने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो लगाने को पूछेगा, तो कोई भी फ़ोटो दे देना है। उसके बाद इसकी भी यहाँ पर बीओ दे देना है। बीओ देने के बाद यहाँ पर आपको जो अकाउंट है बनके है वो रेडी हो गया है। इस तरीके से जो है आपका अकाउंट जो है बनके रेडी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दिया गया 5 स्टेप कंप्लीट। यहाँ पर आपको 5 स्टेप जो कंप्लीट है वो करना है। 5 स्टेप आप अपना कर दीजिए, मैं अभी बताना नहीं बताऊँगा वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। आप जो सिंपल से चीज़ है आप जो कर लीजिएगा, वरना
आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं एक ही पर्सन को फॉलो किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पर देखिए फॉलोइंग दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपना एक जो न्यू प्रोफेशनल अकाउंट है वो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। तो गाइस चलिए फिर से मिलते हैं अपनी एक नए वीडियो पर। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो गाइस चलते हैं फिर से मिलते हैं अपनी एक नए वीडियो पर।